सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो है मथुरा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए निकले हैं, तो परिक्रमा शुरू होने से पहले दर्शन करते हैं एक बार यहाँ पे, और दान घाटी क्षेत्र देखते हैं इसको। और हम लोग जो है श्री गिरिराज महाराज के मंदिर के समक्ष आ चुके हैं। सुबह का साढ़े चार पौने पाँच बजे का टाइम है। भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि फाल्गुन का महीना चल रहा है, होली आ चुकी है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह साढ़े चार पौने पाँच का समय है, और एक बार हम कोशिश करते हैं यात्रा करने से पहले थोड़ी सी एक झलक मिल जाए बाबा को। चलिए, तो दर्शन कर लिए हमने, थोड़ी सी हो गए थे, हमें झलक मिली, अब हमने यात्रा जो है शुरू कर दी है, और हम लोग जो है चल पड़े हैं। सुबह का टाइम समय है, तो परिक्रमा मार्ग में लोग बाग तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है कि ज़्यादा भीड़ हो, लेकिन है लोग बाग हैं, चल रहे हैं, तो हमने शुरू कर दिया। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा है 11 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद 10 किलोमीटर की परिक्रमा, और बड़ी वाली परिक्रमा छोटी, दोनों मिला के बड़ी 11 की, छोटी 10 की, ऐसे करके दोनों परिक्रमा हैं। तो दोनों परिक्रमा बड़े मज़े से करेंगे, और कुछ आशीर्वाद लेके चले हैं सत्संगति का, और कुछ मंदिर वगैरह के दर्शन। साक्षी गोपाल जी का मंदिर है बहुत अद्भुत प्यारा, दान बिहारी जी का मंदिर, रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिले। तो अभी हम लोग जो हैं 5.5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, पूछरी का लोटा आ चुके हैं ये। तो गोवर्धन की परिक्रमा का लगभग 1/4 हमने जो कम्प्लीट कर लिया है। तो गोवर्धन की परिक्रमा में हम सब लोग शामिल होते हुए, और होली से पहले फाल्गुन के महीने में बहुत अच्छी तादाद में भीड़ हो चुकी है। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30, विशाल साथ में है, और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम रह गई है, लेकिन आगे चल के भीड़ बहुत मिलने वाली है। तो चलिए राधा कुंड पे स्नान करेंगे, उसके बाद में ब्लॉग फिर से शुरुआत करेंगे। वो हिसाब लगा रहा 10 के कितने रुपया 2 मिनट। पास जाओ यार, दूर से दे रहे हो यार। ये अष्ट सखी कुंड है ये, और ये छोटी परिक्रमा में जब आप जाओगे उस दौरान ये मिलेगा, अष्ट सखी कुंड। और ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है इधर, ये हम लोग जो है गोवर्धन महाराज की छोटी परिक्रमा शुरू कर दी है, और शुरुआत में 1 किलोमीटर चल रही है। मिट्टी पे थोड़ी कहीं कहीं कंकड़ वगैरह हैं, पैरों में लग जाती है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, बच्ची
भंडारा पाते हुए संकट और वैभव भंडारा पाते हुए मलगीत क्या हुआ? अरे मलगीत क्या हुआ? अरे मार रहा, थकान तो नहीं है ना? नहीं नहीं थकान नहीं है, थकान नहीं है। तो अभी हम लोग जो है राधा कुंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और राधा कुंड गलियों के अंदर बिल्कुल धूप तेज हो चुकी है। ये राधा कुंड पर हम लोग जो है आ चुके और लोग बाग जो है राधा कुंड पर खूब स्नान कर रहे हैं। ये देखिए और लोग यहाँ पे दान पुण्य भी कर रहे हुए हैं। तो राधा कुंड पे आए तो स्नान अवश्य करें यहाँ पर। बिहारी जी के मंदिर में आ गए बिल्कुल दर्शनों के लिए। तो यहाँ बिहारी जी के दर्शन करेंगे। भीड़ देखिए, बहुत सारी भीड़ है। जय हो।
धन्यवाद।